हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि 10x और w8 का मतलब क्या होता है और इसका यूज आप सोशल मीडिया पर चैटिंग के रूप में किस तरीका से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट की बात क्या है कि 10x का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है थैंक्स, जिसे हिंदी में कहता है धन्यवाद या शुक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि थैंक्स किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, यानी 10x जो है थैंक्स का ही शॉर्ट फॉर्म है। बात किया इसका यूज आप सोशल मीडिया पर चैटिंग के रूप में किस तरीका से करते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज आप सोशल मीडिया पर सिर्फ चैटिंग के रूप में ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी जगह पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है जो कि आप सोशल मीडिया पर चैटिंग के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सअप अगर आप किसी के साथ अगर चैटिंग कर रहे हैं तो अगला व्यक्ति को आप कहना है थैंक्स, तो आप उसे पूरा थैंक्स THANX न लिख कर उसे सिर्फ 10x लिख कर भेज सकते हैं, जिससे अगला व्यक्ति को पता चल जाता है कि वह मुझे धन्यवाद कह रहा है, यानी कि थैंक्स कह रहा है। तो इस तरीके से इसका यूज आप करते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट यह है कि वेट का मतलब, यानी कि W8 का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब की बात क्या है, तो इसका मतलब होता है वेट, यानी WAIT, वेट इसका मतलब है, जिसे हिंदी में कहा जाता है इंतज़ार करना। अब बात करते हैं इसका भी यूज आप सोशल मीडिया पर कैसे करते हैं। तो इसका भी आप सोशल मीडिया पर चैटिंग के रूप में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि W8 का। जैसे कि मान लीजिए, फिर इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हाट्सअप पर भी इसका किसी को आप कह रहे हैं इंतज़ार करने के लिए, तो फिर आप उसे W8 लिखकर भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो ला दूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।